हे गाइस, विकास चौधरी हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू जंप रोप या फिर रस्सी कैसे कूदते हैं। तो सबसे पहले तो मेक श्योर आप घास पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वरना उलझ के आपकी रोप अटक सकती है और आप अच्छी तरीके से स्विंग नहीं कर पाएंगे। और ऑल्सो मेक श्योर कि आप स्लिपरी सर्फेस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वरना फिसल के गिर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रोग्रेशन बताता हूँ जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं जंप रोप सीखने के लिए। लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट प्रोग्रेशन के लिए आपको अपने दोनों पैरों के पंजों पे एक साथ कूदना है और एक रिदम बनाने की कोशिश करनी है, पर मेक श्योर आप फ्लैट फुट ज़मीन पे नहीं रख रहे हैं, आपको अपने पंजों पे ही रहना है। और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो आपको नेक्स्ट प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना है। सेकेंड प्रोग्रेशन के अंदर मैं आपको जंप रोप की प्रॉपर फॉर्म बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत ही लाइट ग्रिप रखनी है इसके हैंडल पर, और आपको बहुत ही ज़्यादा फर्मली नहीं पकड़ना, आपको अपने सिर्फ फिंगर से ग्रिप करना है। दूसरी चीज़, आपको बहुत ही लाइट रहना है अपनी फीट पे, मतलब कि आपको सिर्फ अपने पंजों पे रहना है, फ्लैट फुट नहीं रखना ज़मीन पे जैसा पहले बताया मैंने। तीसरी चीज़, आपको अपनी नीज़ को थोड़ा सा बेंड रखना है ताकि आप अपने जॉइंट्स पे ज़्यादा जोर ना डालें। और चौथी चीज़, आपको बहुत ही ज़्यादा ऊँचा नहीं कूदना, वरना आप बिना बात एनर्जी लूज़ करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। और पाँचवीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी एल्बोज़ को अंदर रखना है और अपने रिस्ट को बाहर रखना है ताकि आप अच्छी तरीके से स्विंग कर पाएँ रस्सी को। अब नेक्स्ट प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रोग्रेशन के अंदर आपको जो रस्सी उसे अपने पैरों के पीछे रखना है और स्विंग करके अपने पैरों के नीचे से निकालना है, पर मेक श्योर आप प्रॉपर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। एक बार और करके दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोग्रेशन के अंदर आपको रस्सी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप रस्सी के साथ जंप कर रहे हैं, और आपको हर बार जब आप अपने रिस्ट को स्विंग करें तब आपको एसोसिएट करना है उसको जंप करने के साथ, और सिर्फ इमेजिन करना है कि आप रस्सी के साथ जंप कर रहे हैं। और जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तब आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए आपको प्रॉपर फॉर्म का ध्यान रखते हुए सिर्फ दो रैप्स निकालनी है, और जब आप इसमें कंफर्टेबल फील करने लगें तब आपको ग्रेजुअली एक एक रेप इंक्रीज करनी है। पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन से ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, और हर प्रैक्टिस सेशन में अपने आप को थकाएं नहीं, वरना अगले दिन आपका प्रैक्टिस करने का मन नहीं करेगा। तो कीप दैट इन माइंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको जंप रोप से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। पीस।